अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है हम सब के भाई पी एस एल एट में तो धूम मचा दी है आज जो मैच हुआ है कराची और मुल्तान का सबसे बेहतरीन मैच है पी एस एल एट का मेरी नज़र में अब तक का आई डोंट नो आगे क्या होता है बट ऐसा मैच नहीं हुआ क्या खेला है यार दोनों टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला है नैक टू नेक चला है एंड में पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा और कराची अनफॉर्चुनेट रहा कि मैच हार गया मगर कराची ने भी बहुत ज़बरदस्त फाइट की जेम्स विंस का भी कमाल है मुल्तान सुल्तान में रज़वान भाई छा गए हो तुम तो यार इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है सौ मारे और शानी ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया और कराची की बॉलिंग्स मतलब इतनी कोई ख़ास है नहीं आमिर भी इंजर्ड था तो ये एक प्रॉब्लम है दूसरी चीज़ यार तब्रेश शमसी को भी भाई खिला लो मतलब वो भी खेलने ही आया हुआ है उसको चांस दें तो शायद कुछ अच्छा हो और उन्होंने 200 से 200 के करीब का टारगेट दिया बट कराची किंग्स ने जो स्टार्ट लिया लास्ट मैच में भी इन ओपनिंग पेयर ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था वेड और विंस ने जिसकी वजह से कराची ने लाहौर को मारा था आज भी यही हुआ इन दोनों ने क्या स्टार्ट दिया है छः सात ओवर में शायद सत्तर पचहत्तर रन थे तो इन्होंने कमाल का स्टार्ट दिया पर चलते 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 ये लोग बिल्कुल ही आखिरी ओवर तक आ गए और अनफॉर्चुनेट थे कि हार गए हैदर अली प्लाटेनियम में पिक हुए हैं भाई साहब इनका क्या रोल है अभी तक समझ में नहीं आया जिसने इनको पिक किया है उसको क्या उसको तो मेरे ख्याल से अभी पकड़ के ना बाहर निकाल देना चाहिए कराची किंग्स से स्कॉट से उसकी मैनेजमेंट में कोई जगह नहीं बनती जिसने हैदर अली को पिक किया है मतलब प्लेटिनम में पिक कर लेते आप किसी और कैटेगरी में कर लेते बट प्लेटिनियम में हैदर अली डिज़र्व नहीं करता आज भी वो जिस तरह खेला है फिर उसने विंस को भी रन आउट कराया तो क्या कह सकते हैं ले खैर करे मलिक साहब अभी मुझे लग नहीं रहा कि इतना अच्छा कुछ खेल पा रहे हैं जले मतलब पुराने हुए हैं यार अब उनको ख़त्म करो भाई तैयार तायर बैठा हुआ है बाहर उसको चांस दो एक अच्छा प्लेयर है लेकिन यार जो जिसने प्लेयर ने मुझे आज इम्प्रेस किया ना वो दो तीन मैचों से कर रहा है इमाद वसीम उसको ज़बरदस्त एक कहते हैं सपोर्ट दे रहा है कराची किंग्स को कैप्टन भी कर रहा है उसको ज़रूर टीम में अब चांस देना चाहिए वो अब वो डिज़र्व करता है नवाज़ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है लास्ट थ्री टू फोर मंथ से और इमाद की उतनी ही अच्छी रही है पी में अगर आप देखें हर मैच में बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है बैटिंग भी अच्छी कर रहा है तो इमाद को ज़रूर भाई टीम में आना चाहिए और कोई बात नहीं नवाज़ को स्क्वाड में रख लेंगे इमाद को टीम में होना चाहिए बाकी कराची किंग्स जैसे हम पहले पहले मैच से मैं कहता वा रहा हूँ कि भाई स्क्वाड तो है ही नहीं ये तो इनकी समझ लो लड़कों की स्प्रिट है जो इतना अच्छा खेल रहे हैं ना टीम बनाई गई है ना उस पर सोचा गया ना मेहनत की गई है और अगर आज भी जीत जाते या आगे के एक दो मैच और जीत जाते तो फिर फ्री फोकट का माल हो जाता लेकिन बहुत अच्छी बात भी है कि कराची किंग्स नहीं जीत रहा इसलाह करने का मौका मिलेगा कराची को अगली बार के लिए इंसान बन के आए यही दुआ है और मैनेजमेंट को तो फारक करें क्योंकि वो उन्होंने प्लेयर्स ही अच्छे पिक नहीं किए मात की ही मेहनत है या विंस हो गया वेड हो गया कुछ ही प्लेयर्स हैं जो बेचारे है अपना बेस्ट दे रहे हैं लाहौर वाले मैच में भी अपना बेस्ट दे के जिताया तो पाँच मैच हो चुके हैं कराची के चार हारा है इसी से अंदाज़ा लगा लें और क्लोज आ रहा है अच्छा खेल के आ रहा है मगर यार जो मसला है वो सबको पता है जो क्रिकेट समझते हैं उनको समझ में आ रहा है कि कराची ने क्या अपने साथ जुल्म किया है ठीक है अगले मैचों के लिए ख्याल रखें और यार कोयटा के लिए एक पैगाम है भाई क्यों मरवा रहे हो यार खेल लो कुछ यार तुम लोग भी कुछ खेल लो कोयटा वालों तो मैं हमने सोचा था कि फेवरेट करार देंगे तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही मरवा दिया मुल्तान और लाहौरी अच्छे जा रहे हैं फ़िलहाल इस्लामाबाद भी है बाकी देखें पी की यही ब्यूटी है कि आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आज का मैच कोई नहीं समझ सकता था कि ऐसा जाएगा चलें जी अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़